अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान रेलवे ने एक नया रेलवे ट्रैक बिछाने का फ़ैसला किया है और ये रेलवे ट्रैक खोखरा पार हैदराबाद ब्रांच लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है न्यू छोर, वहाँ से ये शुरू होकर इस्लाम कोट थरकोल तक जा रहा है। न्यू छोर से ये मशरक़ की तरफ सहराए थर के रेत में से होता हुआ जाएगा। 105 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि थर पार कर इस्लाम कोट में थर कोल के नाम से चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरक तआवुन से सीपेक के तहत जो मंसूबा है कोयला निकालने का, तो वो कोयला इस वक्त तक बजरिया रोड जा रहा था, जो बहुत महंगा भी पड़ रहा था और ज़्यादा भी नहीं जा रहा था, यानी कम मकदार में वो पहुंच रहा था। तो उसके लिए रेलवे लाइन बिछाने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान हुकूमत ने। इसकी जो कॉस्ट है उसका 50% सिंध हुकूमत देगी और 50% तकरीबन वफाकी हुकूमत देगी। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है उस पर काम शुरू हो चुका है, ज़मीन खरीदी जा चुकी है, उसकी पैमाइश के लिए भी आए थे, जो उस पर जो ज़मीन के निशान भी लगा के गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होगा। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 105 किलोमीटर है। इस्लाम कोट थरपारकर में थरकोल प्रोजेक्ट से निकलने वाले कोयले को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का फ़ैसला किया गया है। इस रेलवे लाइन पर 8 रेलवे स्टेशन बनेंगे। रेलवे स्टेशनों के नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। छोर रेलवे स्टेशन से हाल ही में रिटायर होने वाले जनाब नूर मोहम्मद थरी ने ये नाम तजवीज़ किए हैं। उस वक्त वो स्टेशन मास्टर थे जब नाम तजवीज़ किए थे। रेलवे स्टेशनों के नाम ये हैं: इस्लाम कोट 0 पॉइंट से 2 किलोमीटर तक खान समो रेलवे स्टेशन, 10 से 12 किलोमीटर तक अलाहाबाद रेलवे स्टेशन, 28 से 29 किलोमीटर तक मोहम्मद आबाद रेलवे स्टेशन, 33 से 44 किलोमीटर तक सूर्य बादशाह रेलवे स्टेशन, 49 से 50 किलोमीटर तक मोमिन आबाद रेलवे स्टेशन, 71 से 72 किलोमीटर तक ढटजा ढोलिया रेलवे स्टेशन और 89 से 90 किलोमीटर तक अरबाब नगर रेलवे स्टेशन, 105 किलोमीटर पर तालबुल मौला रेलवे स्टेशन। और दूसरी बात यह भी है कि उमरकोट शहर से ये तकरीबन 20 किलोमीटर फासले पर जा रहा है। तो उमरकोट एक बहुत बड़ा तारीखी शहर है सूबा सिंध का, पाकिस्तान का। उमरकोट जो है वो सहराए थर और सिंध के जो आबादी वाले इलाके हैं दोनों के दरमियान में है। तो उमरकोट जो शहर है वो आधा थर में और आधा पानी वाले इलाके में है। तो लोगों का ख्याल है कि ये अगर रेलवे लाइन उमरकोट के करीब से गुजरती, उमरकोट शहर में कोई स्टेशन बन जाता तो इतना बड़ा तारीखी शहर रेलवे स्टेशन से मुंसलिक हो जाता। तो आवाम ने इसके मुतलिक भी काफ़ी तजावीज़ दिए हैं और रबते भी किए हैं। तो देखते हैं इस पे अमल होता है या जो उन्होंने तजवीज़ किया हुआ है, जो ज़मीन खरीदी हुई है जहाँ से वहाँ तक कि वहाँ से ये रेलवे ट्रैक जाता है। खैर, जहाँ से भी जाए, जब ये रेलवे ट्रैक बन जाएगा तो ज़ाहिर है यहाँ की आवाम को बहुत फ़ायदा होगा, आसपास की आवाम को भी होगा और जो थरकोल से कोयला निकल रहा है उसकी जो आमदरफ्त है, उसकी जो कॉस्ट है, उसमें भी वाज़े कमी आएगी। तो जो बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कोयले पर चलते हैं, तो अगर ये कोयला वहाँ तक पहुँच जाएगा तो काफ़ी ज़र मुबादला बच जाएगा और पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये रेलवे ट्रैक पाकिस्तानी मैशत के लिए भी अहम है और ज़ाहिर है जहाँ से ये रेलवे ट्रैक गुजरेगा आसपास के आवाम के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये रेलवे ट्रैक बनेगा, इस पे मुसाफिर ट्रेनें भी ज़रूर चलेंगी और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान रेलवे तरक्की करेगा। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई मालूमती वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।